तो आज हम लाइफ में जो भी कुछ हैं, जहां भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, मैं तो इतना तक बोलूंगा दोस्त, अगर हम गरीब हैं तो हम अपनी वजह से हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उस समय सोचता था कि मैं एक दिन गाड़ी से आया करूंगा, हर हफ्ते आया करूंगा, जब गाड़ी से निकला करूंगा ना मेरा एक पैर बाहर निकलेगा, महंगा सा जूता मैंने पहना होगा, कोई देखेगा तो फील करेगा यार कितना महंगे जूते पहने, ऐसा सोचता था छठी सातवीं क्लास में। मतलब पैसा हमने कभी नहीं देखा। अच्छा वैसे मेरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं आप या सिर्फ सफलता के बारे में जानना चाहते हैं? है स्टोरी, अब तो देख ही लिया, DCD है, OD है, 10-11 लाख का पे चेक है, कई विदेश यात्रा कर रखी है, फोटो बढ़िया से लगा रखी है, DCD लिख रखा है, ये तो सभी को पता है ना? Yes. है ना, इससे पहले की जिंदगी जानना चाहोगे? Yes. पक्का जानना चाहोगे? Yes. मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, है? ये सच है, अभी मैं आपको फील कराऊंगा। दोस्त मेरा नाम कुलदीप और बेसिकली मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। हापुड़ कितने लोगों ने सुना है? पड़ोस में ही है यार, ये रहा हापुड़, ठीक है, यूपी में ही है, गाजियाबाद के पास। हापुड़ से बिलोंग करता हूँ और किसान परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ। हमारी छोटी सी, ध्यान से सुनिएगा, हमारी छोटी सी फैमिली, छोटा सा परिवार, मम्मी पापा ताऊजी, 2 भाई 2 बहनें, और हमारे घर में खेती होती थी, आज भी होती है। हमारा जो घर चलता था ना वो खेती से ही चलता था, और लगभग हमारे घर 14 या 15 बीघे जमीन थी, 15 बीघा जमीन थी। कई लोग यहाँ पे अगर एकड़ में बात करूँ तो 3 एकड़ वो हो गया। अब 3 एकड़ वाला किसान, यहाँ पे कितने लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? काफी सारे लोग। अब 3 एकड़ वाले की जिंदगी कैसी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हेलो, है ना। इसको ऐसा कह सकते हैं, घर का चारा अपना था भैंसों के लिए और गेहूं अपने घर की थी, बस सच है ना, ये चारा घर का है और गेहूं घर की है, बाकी जिंदगी कर्जे पे है, ऐसा ही है ना। अगर खेत में दूसरी फसल बोनी है ना, यूरिया DAP ये चीजें अगर लाने हैं ना, तो वो भी कर्जे पे लाते थे, सच है। हाँ जी, गन्ने की खेती होती थी, 3-4 महीने क्रेशर पे गन्ना जाता रहता था, तो तब तक पैसे आते थे तो घर चलता रहता था, और जैसे ही गन्ने का सीजन खत्म हुआ फिर तो भाई जिंदगी कर्जे पे चलती थी। मतलब पैसा हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ मेरे पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए, एजुकेशन हमारी स्कूल से स्टार्ट हुई, और लेकिन पेरेंट्स का, हर माँ बाप का सपना होता है, हम तो शायद अच्छा नहीं पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन अपने बच्चों को, 2 बेटे हैं मेरे, चांद के तारे टुकड़े है ना, इनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और आज जो हमारी स्थिति है ये कल को बदल जाएगी, ऐसा हर पेरेंट्स का सपना होता है। ठीक इसी प्रकार मेरे माँ बाप का भी यही सपना था, इनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी पढ़ाई जो थी गाँव में ही स्टार्ट हो गई, गाँव में पढ़ना चालू कर दिया छोटे से स्कूल पे, हिंदी मीडियम, और उसके बाद मैं पढ़ाई में, जब मैं 4th, 5th, 6th क्लास में आया, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होते चला गया, जैसे जैसे मुझे समझ होती चली गई, जब कोई भी स्टूडेंट 6th, 7th, 8th, 9th में आता है ना, उसको धीरे धीरे समझ होने लगती है। डिपेंड करता उसका कल्चर कैसा है, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, कौन सी एजुकेशन करनी है, या उसके घर में पैसा कितना है, उस हिसाब से उसको समझ होने लगती है कि उसने 12th के बाद क्या करना है, किस सेक्टर में जाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब मेरे अंदर समझ क्या थी कि पैसा तो है ही नहीं, अब हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं इतना पढ़ाकू था नहीं कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर डॉक्टर बन जाएंगे, एडमिशन मिल जाएगा, या IIT में किसी गवर्नमेंट में मिल जाएगा, इतना पढ़ाकू मैं था नहीं। तो जैसे ही 6th-7th क्लास से ना पढ़ाई से मेरा मन हटता चला गया, अब बस एक ही चीज माइंड में रह गई, हमारे यहां पर क्या होता है कि आप 10th कम से कम आपने जरूर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी कौन से वाली? यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और आर्मी के अंदर, फौज में, BSF के अंदर, ये सारी नौकरियां, ये मेंटेलिटी थी। ये मुझे भी पता, साला 10वीं तो करनी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि भाई ये भी नहीं मिलेगी फिर। हाँ एक चीज पता नहीं बाई बर्थ क्या हुआ, मैं बचपन से ना ड्रीमर था, बचपन से, छठी सातवीं क्लास से। मैंने किसी दिन किसी किताब में इंडिया गेट, कुतुब मीनार देखा था, ये मैं हर जगह बताता हूँ बात, क्योंकि सच्ची है, क्या करूं बतानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता था कि यार दिल्ली तो यहाँ से लगभग सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, जब उस हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि दिल्ली है, राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पे इतनी सारी इमारतें हैं, किस तरीके से लोग रहते होंगे, और कुछ हमारा गांव ना दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, तो कई लोग या कई लड़के ऐसे थे जो दिल्ली में अच्छी नौकरी करते थे, जो हर हफ्ते या 15 दिन बाद घर आया करते थे। वो अपनी बाइक से आते थे, अच्छी बाइक होती थी, कई के पास गाड़ी भी थी, अच्छी ठीक ठाक नौकरी थी,
तो मुझे ऐसा लगता था उनको देख के, यार इनकी तरह एक दिन जिंदगी होनी चाहिए। मैं भी हर हफ्ते दिल्ली से गांव आया करूं, और जब गांव आया करूं ना तो मेरे जो पड़ोसी है ना वो मुझ पे गर्व करें, साथ में मेरे पेरेंट्स पे, मेरे माँ बाप पे गर्व करें कि देख फलाने का बेटा आज कामयाब हो गया, अच्छी नौकरी कर रहा है। ऐसा मैं सोचता था, ऐसा मेरे मन में होता था, ये मन में रहता था हमेशा, कभी दिल्ली जाना है। हापुड़ से एक रोड जाती है जो दिल्ली की तरफ जाती है, लगभग 60 किलोमीटर है हापुड़ सिटी से दिल्ली, और हापुड़ के 5 किलोमीटर दूर मेरी सिस्टर का घर है जहां पे मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। तो हम जब भी अपनी सिस्टर के घर जाते थे तो हापुड़ में गुरुद्वारा चौक है, तो वहां से दिल्ली की बसें मिलती थी। मैं वहां काफी देर तक देखता रहता था, लोग चिल्लाते थे दिल्ली 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 ऐसे करते थे। मैं सोचता था यार यही रोड दिल्ली जा रही है। आप इस बात पर कितना विश्वास कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कई मिनटों तक देखता रहता था यार दिल्ली बसें इधर जा रही हैं, प्राइवेट बस भी जा रही है, सरकारी भी जा रही है। तब हापुड़ बाईपास नहीं था, बरेली डिपो की बहुत बसें जाती थी वहाँ से निकल के, है ना, इधर से अच्छा बरेली से बसें आ रही हैं और दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली इधर ही है, इधर ही जाऊँगा, कभी तो जाऊँगा, कभी तो जाऊँगा, कभी तो जाऊँगा। कहते हैं ना, जिस एक चीज़ और बोलूँगा दोस्त, मैं लाइफ में कोई भी चीज़ इत्तफाक नहीं है। जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं, जिस चीज का एहसास करते हैं, कुदरत आपको वहां तक जरूर लेके जाती है। अगर कुदरत आपको वहां तक लेके भी नहीं जाएगी ना, तो वहां तक जाने का रास्ता जरूर दिखाएगी, बशर्ते कई लोग इस चीज को पहचान पाते हैं और कई लोग नहीं पहचान पाते हैं उस रास्ते को। समझा पाया? तो आज हम लाइफ में जो भी कुछ हैं, जहां भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, मैं तो इतना तक बोलूंगा दोस्त, अगर हम गरीब हैं तो हम अपनी वजह से हैं, अगर घर में खुशहाली है तो अपनी वजह से है, घर में किसी चीज को लेके कलेश है तो अपने विचारों की वजह से है। जो अंदर चल रहा होता है ना दोस्त, है ना, वही हम बोलते हैं, वही एक्शन करते हैं और उसी का रिजल्ट मिलता है। बट अंदर चलता क्या है? अब जितने मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी वाली जिंदगी जीते हैं, मिडिल क्लास लोग, आप खुद ही बताओ। अब तो खैर तुम लोगों को वेस्टीज मिल गया, कई सारे लोग वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं, कोई 2 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से, अब तुम बड़े सपने देख रहे होगे। छोड़ो अब की बात, क्या अब से 3 साल पहले, 4 साल पहले आप सबके पास ऐसे सपने थे कि तुम 5 लाख महीना कमाओगे एक दिन? क्या तुम्हें ऐसा लगता था? नहीं। क्या सोचते थे? बस कट जाए, बस एक नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, बस 20,000 की मिल जाए तो मजा आ जाएगा। उससे बड़ा कभी सोचते ही नहीं। मैं 7th क्लास में था, मुझे नहीं पता कि मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि मैं उस समय सोचता था कि मैं एक दिन गाड़ी से आया करूंगा, हर हफ्ते आया करूंगा, जब गाड़ी से निकला करूंगा ना मेरा एक पैर बाहर निकलेगा, महंगा सा जूता मैंने पहना होगा, कोई देखेगा तो फील करेगा यार कितना महंगे जूते पहने, ऐसा सोचता था 6वीं 7वीं क्लास में। है कुछ नहीं, औकात नहीं है, औकात इतनी भी नहीं है कि भाई साहब कभी घर में कोई मेहमान अगर आ गया ना, गेस्ट आ गया तो दाल भी खरीद के लेके आनी पड़ती है, कई बार पीछे से निकल के जेब में रख के लाते थे, ऐसी कंडीशन थी। इतनी गरीबी देखिए, यह हालत थी। टमाटर कभी नहीं खाते थे, हमारे घर में तड़का टमाटर से नहीं लगता था, पैसे नहीं होते थे, साला जीरे से सब्जी छुकती थी हमेशा, ये कंडीशन थी। यार ये स्टोरी मेरी नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे बैठे हर बहुत सारे लोगों की स्टोरी ऐसी है, सच है कि नहीं है? जी हाँ। लेकिन सोच क्या रहा हूं, हालांकि माइंड में दूसरी चीज भी है कि 10th करनी है, लेकिन कम से कम सोचता तो था